साड़ोरा बीडीपीओ कार्यालय में निशानदेही को लेकर दो गुटों में ऐसी झड़प हुई कि पूछिए मत। दोनों गुट ये भूल गए कि वो सरकारी दफ्तर के बाहर हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि हाथापाई में महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि किसान यूनियन और गांव सरवा के लोगों में निशानदेही को लेकर विवाद हुआ। दोनों गुटों के बीच हालात इतने बिगड़ गए कि मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। दरअसल साड़ोरा के गांव सरावा में कई दिनों से निशानदेही को लेकर दो गुटों में आपसी रंजिश का माहौल बना हुआ था। जब प्रशासन द्वारा गौशरान और पंचायती जमीन की निशानदेही कार्रवाई की जा रही थी, तभी कब्जाधारी लोगों ने किसान संगठन की आड़ में निशानदेही को रुकवा दिया था, जिसका गांव वालों ने विरोध किया था और दोबारा प्रशासन से निशानदेही की मांग की थी और धरना प्रदर्शन भी किया था। उसी निशानदेही को लेकर गांव के लोग बीडीपीओ कार्यालय में इकट्ठा हुए और वहां हंगामा हो गया। मैंने उनसे पूछा, ये किसान यूनियन वाले इनका क्या अधिकार है वहां पे रोकने का? उन्होंने मुझे धमका के बाहर भेज दिया। मैं 10 मिनट बाहर बैठा हूँ, हम सलाह करके बताएंगे। यानी क्या मतलब? यानी कि प्रशासन की मिली भगत है जो निशान देने मिली भगत है जी। रोकने को 5 मिनट में लग गई, 5 मिनट में रोक दिया उन्होंने, और हमें निशाने चालू करवाने में एक हफ्ता बीत गया जी। आज इस करके हम इकट्ठे हुए हैं। तो ये प्रभावशाली लोगों का प्रशासन के साथ मिली मेरे पास रिकॉर्डिंग है जो उसकी कानिगो साहब की किसान यूनियन के नाम पर ब्लैकमेल कर ले। कानिगो साहब ने मेरे को ये बोला है, संजू प्रधान और ये सेक्रेटरी साहब का फोन आया मेरे पास, मैं आज निशानदेही नहीं होने की, गांव में भंडारा है। तो भंडारा कोई सरकारी भंडारा है? गाँव वालों ने निशानदेही न होने को लेकर बीडीपीओ कार्यालय में प्रशासन और किसान यूनियन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। दूसरी ओर बीडीपीओ श्यामलाल ने बताया कि दोनों पक्षों के लोग निशानदेही के लिए आए थे। दोनों पक्षों के लोगों को समझाया गया और 22 तारीख को सरावा गांव में पंचायती जमीन की निशानदेही का काम जो अधूरा रह गया था वो भी पूरा करवा दिया जाएगा। इशू था, एक पक्ष कहता है इस तरफ से और दूसरा पक्ष कहता है इधर नहीं इधर हो, तो हमने अब इसका सलूशन ये निकाला, हमने परसों को दोनों तरफ से निशानदेही स्टार्ट कराएंगे गाँव वालों की सहमति से। तो यार यहाँ कार्यालय में झगड़ा हुआ, इसके बारे में क्या? अब ये तो इनकी आपसी पार्टीबाजी है, मुझे नहीं पता, मेरी जानकारी में नहीं है, पर ये लोग तनाव काफी है। आपके द्वारा दिए गए आश्वासन पर सहमत हैं जी? यहाँ से तो सहमत होके ही गए हैं, हमने संतुष्टि कराने की कोशिश करी है। हमारा तो यही रिक्वेस्ट है सबसे कि कोई इसको निजी रूप में न ले, सरकार की जमीन है, पंचायत की जमीन है, हम निशानदेही कराएंगे, लोग इसको निजी मुद्दा न बनाए अपना। अब पंचायती भूमि का पैमाइश का मामला था जो कई दिनों से चल रही थी, पैमाइश बीच में रोक दी गई थी, एक पक्ष ने बोला था दोनों साइड से पैमाइश होनी चाहिए। तो आज बीडीपीओ कार्यालय में दोनों पक्ष इकट्ठे हुए थे, तो बीडीपीओ साहब ने दोनों पक्षों को समझा के और बुधवार का टाइम रखा है, दोनों साइड से निशानदेही शुरू कर दी जाएगी। तो दोनों गुटों में आपसी झड़प भी हुई जी यहाँ? काफी थोड़ी धक्का मुक्की हुई है, जो कंप्लेंट हमारे पास जिस प्रकार की आए कि वो कार्रवाई कर देंगे हम। तो आश्वासन पे लोग सहमत हैं जी? हाँ बिल्कुल सहमत हैं आश्वासन पे, और परसों को बुधवार को दोनों साइड से निशानदेही शुरू हो जाएगी। पुलिस की मौजूदगी। थाना प्रभारी धर्मपाल ने बताया कि झगड़ा उनका निशानदेही को लेकर चल रहा है। उन्हें सूचना मिली थी कि बीडीपीओ कार्यालय में दोनों गुटों में झगड़ा हो गया है और पुलिस ने दोनों गुटों के लोगों को समझा कर शांत करा दिया है। यमुनानगर से सुमित ओबेराई, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।